तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है। कि इसमें कहा था कि एक एलआर सर्किट है, और एलआर सर्किट में यहाँ पे करंट का इक्वेशन दिया हुआ है। हम सबको पता है कि अगर ये जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और ये इंडक्टर है, ठीक है, तो ये एल है, आर है, और इसमें जो करंट है वो ग्रोथ होती है कैसे, हम सबको पता है, ठीक है ना। तो उसी करंट का इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट, और यहाँ से ई माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्बडा, करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और आई इज़ द करेंट, देन डायमेंशन ऑफ आई एंड नॉट आर सेम, मतलब किसका किसका इसमें से डायमेंशन सेम होगा। तो डायमेंशन ऑफ टी एंड लैम्बडा आर सेम, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा तो किसका किसका डायमेंशन सेम है। तो अगर देखो सेम डायमेंशन मतलब चेक करना चाहोगे तो ई की पावर कुछ भी होता है तो डायमेंशनल लेस होता है, ठीक है ना। ये जो ई की पावर कुछ भी हो तो वो डायमेंशनल लेस होता है, क्योंकि क्योंकि ई एक नंबर है, प्योर नंबर है, 2.7 इसकी वैल्यू होती है लगभग। तो 2.7 अगर कुछ भी रखोगे तो डायमेंशनल, जैसे पाई है 3, इसके ऊपर पावर कुछ भी आएगा डायमेंशनल लेस होगा, ठीक है ना। लॉग है, प्योर नंबर है, इसके अंदर कुछ भी आएगा डायमेंशनल लेस है। साइन थीटा टैन थीटा कुछ भी है इसकी, ठीक है ना, जैसे साइन साइन है तो थीटा के कुछ भी है, सब डायमेंशनल लेस होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू रिमेंबर दिस। तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ई की पावर जो आ रहा है ये ई की पावर माइनस टी अपन लैम्डा, तो ये जो पूरा टी लैम्डा है ये पूरा तो डायमेंशनल लेस होगा। तो डायमेंशनल लेस मतलब होता है, माइनस साइन छोड़ दो, इग्नोर कर दो, तो टी अपन लैम्डा का डायमेंशनल फार्मूला एम नॉट एल नॉट टी नॉट होगा, ठीक है ना, मतलब ये 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ टी और लैम्डा का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है ना। तो टी और लैम्डा सेम डायमेंशन के होंगे, दैट इज़ बी ऑप्शन अपना सही है। क्या आई नॉट और लैम्डा का डायमेंशन सेम होगा? जी नहीं, आई नॉट जो है तुम देखोगे तो आई नॉट यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई नॉट ई और माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो आई नॉट और इसका डायमेंशन सेम थोड़ी आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।